स्नैपचैट अकाउंट डिलीट कैसे करें 2023 में, हाउ टू डिलीट स्नैपचैट अकाउंट परमानेंटली। स्नैपचैट आईडी को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए आपको स्नैपचैट के ऑफिशियल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप स्नैपचैट के ऑफिशियल एप्लीकेशन को ओपन करते हो, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। स्नैपचैट अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे टॉप पे प्रोफाइल वाला आइकन देखने को मिलता है, आपको इस प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, आपका स्नैपचैट का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। स्नैपचैट अकाउंट को 2023 में डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे टॉप पे सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सेटिंग्स, माई अकाउंट, नेम, यूजर नेम, तो आपको अपना यूजर नेम कॉपी कर लेना है या फिर कहीं पे नोट कर लेना है, क्योंकि डिलीट करते वक्त आपको इस यूजर नेम का जरूरत पड़ने वाला है। तो स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको नीचे की तरफ आ जाना है स्क्रॉल करके स्लोली स्लोली। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है आई नीड हेल्प, तो आपको आई नीड हेल्प पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस आई नीड हेल्प पे क्लिक करोगे, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आई नीड हेल्प, What can we help you with? तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मैनेजिंग माई अकाउंट, तो आपको इस मैनेजिंग माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो अगर आपको इस मैनेजिंग माई अकाउंट वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है मैनेजिंग माई अकाउंट, तो दोनों सेम होता है मैनेजिंग माई अकाउंट। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैनेजिंग माई अकाउंट पे। तो जैसे आप इस मैनेजिंग माई अकाउंट पे क्लिक करोगे, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा I need help Snapchat support। तो Snapchat ID को डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मैनेजिंग माई अकाउंट, डिलीट और रीएक्टिवेट माई अकाउंट, तो आपको डिलीट और रीएक्टिवेट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डिलीट और रीएक्टिवेट माई अकाउंट पे क्लिक करोगे, पेज लोड होगा I need help Snapchat support, डिलीट और रीएक्टिवेट माई अकाउंट। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, फर्स्ट है हाउ डू आई deactivate और delete my Snapchat account, how do I reactivate my Snapchat account। तो Snapchat account को delete करने के लिए आपको how do I deactivate और delete my account पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, पेज लोड होगा, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, I need help Snapchat support, how do I deactivate और delete my Snapchat account। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया है To deactivate or delete your Snapchat account, follow this step below. This will deactivate any account for 30 days, during which time the account can be reactivated. After 30 more days, the account will be permanently deleted. तो ये बोल रहा है कि इस प्रोसेस को करने के बाद आपका Snapchat ID अभी 30 days के लिए deactivate हो जाएगा। अगर आपको अपना account को वापस लाना है तो 30 दिनों से पहले आपको login कर लेना है, और 30 दिनों के बाद आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया है, टू डी एक्टिवेट और डिलीट योर स्नैपचैट अकाउंट ऑन एंड्रॉयड। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। अगर आपके पास आईफोन है, आईओएस यूजर हो, तो आपको इस स्टेप को फॉलो कर लेना है। दोस्तों अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आपको स्नैपचैट अकाउंट पोर्टल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको स्नैपचैट अकाउंट पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्नैपचैट अकाउंट पोर्टल पर क्लिक करोगे, पेज लोड होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, लॉग इन टू स्नैपचैट, यूजर नेम और ईमेल। तो यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम देना है, या फिर अपना ईमेल आईडी दे सकते हो, या फिर अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। तो मेरे पास मेरा यूजर नेम याद है, तो मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम एंटर कर देता हूँ। यूजर नेम एंटर कर देने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है लोडिंग। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना है, एंटर पासवर्ड यूजर नेम। तो अगर आपको अपना पासवर्ड याद है तो यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कीजिएगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, भूल गए हो, तो यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना नहीं आता है स्नैपचैट का, तो मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जाके चेक कर लेना, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर कर देने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, पेज लोड होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है।
इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, कंफर्म इट्स यू, यहाँ पे यूजर नेम शो करेगा, प्लीज इनपुट द कोड सेंड टू जीमेल आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपने अपना स्नैपचैट अकाउंट को फोन नंबर से क्रिएट किया था तो यहाँ पे अपना फोन नंबर शो करेगा, आपके फोन नंबर पे या फिर आपके जीमेल पे एक ओटीपी आएगा स्नैपचैट के टीम की तरफ से, तो आपको चेक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुझे टीम स्नैपचैट की तरफ से मेल आया है, स्नैपचैट लॉग इन वेरिफिकेशन कोड, लॉग इन वेरिफिकेशन हाई नटराज पुष्पा यूजर नेम, हियर इज द वेरिफिकेशन कोड, यू रिक्वेस्ट टू कंफर्म योर रिसेंट लॉग इन। तो आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है, लॉन्ग प्रेस करना और कॉपी कर लेना। कोड कॉपी कर देने के बाद आपको स्नैपचैट ओपन करना है और यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर देना है या फिर एंटर कर देना है, 6 डिजिट का सही से पेस्ट कीजिएगा या फिर एंटर कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस नेक्स्ट पे क्लिक करोगे पेज लोड होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपना स्नैपचैट का यूजर नेम शो करेगा और प्रोफाइल नेम शो करेगा। तो स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डिलीट माई अकाउंट, तो आपको इस डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक करोगे पेज लोड होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। आई नीड हेल्प डिलीट अकाउंट, ओ स्नैप यू लिविंग अस, इफ यू आर श्योर दैट यू वॉन्ट टू डिलीट योर अकाउंट प्लीज एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड बिलो देन प्रेस कंटिन्यू। तो स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है और पासवर्ड एंटर कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपका आईडी स्नैपचैट से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताया कि योर अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड, विच मीन्स फ्रेंड्स वॉन्ट बी एबल टू कॉन्टैक्ट यू ऑन स्नैपचैट, यू विल ऑल्सो लूज एनी चैट्स यू हैव सेव्ड, एनी स्नैप्स एंड चैट्स यू हैवंट ओपेंड आफ्टर 30 डेज योर अकाउंट विल बी डिलीटेड। इफ यू वुड लाइक टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट बिफोर दैट हैपेंस जस्ट लॉग इन टू स्नैपचैट। तो ये बोल रहा है कि अभी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपके फ्रेंड्स आपका चैट हिस्ट्री नहीं देख पाएंगे और 30 दिनों के बाद आपका आईडी स्नैपचैट से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अगर आपका मूड चेंज हो जाता है, अगर आपको डिलीट नहीं करना है वापस से रीएक्टिवेट करना है, तो आपको 30 दिनों से पहले लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर कर देने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे पेज लोड होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। सो फ्रेंड देख सकते हो हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है और 30 दिनों के बाद हमारा आईडी स्नैपचैट से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अकाउंट डीएक्टिवेटेड, योर स्नैपचैट अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड सून। If you have verified email address with Snapchat, we'll send you a confirmation. Once that happen, in 30 days, your account will be deleted. If you would like to reactivate your account before that happen, just log in into Snapchat. तो ये बोल रहा है कि अभी आपका अकाउंट हमने डीएक्टिवेट कर दिया है, अगर आपने अपना स्नैपचैट अकाउंट को जीमेल आईडी से क्रिएट किया था तो आपके जीमेल पे कन्फर्मेशन सेंड कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा अकाउंट लॉग आउट हो चुका है और परमानेंटली डिलीट हो चुका है। तो मैं आपको मेल आईडी ओपन करके दिखा देता हूं। तो हमारा कंफर्मेशन आ चुका है, स्नैपचैट अकाउंट डिलीशन, डियर नटराज पुष्पा यूजर नेम, हियर इज अ कंफर्मेशन दैट यू हैव चूज टू डिलीट योर स्नैपचैट अकाउंट यूजर नेम, फॉर नाउ योर स्नैपचैट अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, इन 30 डेज योर अकाउंट विल बी डिलीटेड, इफ यू लाइक टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट बिफोर दैट हैपेंस जस्ट लॉग इन टू स्नैपचैट। तो ये बोला है कि अगर आपको अपना अकाउंट को वापस लाना है तो 30 दिनों से पहले लॉग इन कर लेना है। तो अगर आपने ईमेल आईडी से लिंक किया होगा तो आपको मेल आ जाएगा स्नैपचैट की टीम की तरफ से। सो फ्रेंड इसी तरीके से आप स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट कर सकते हो परमानेंटली 2023 में। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।